दे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है, वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को बल में मसल देता। वफादार वो सूर वीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परम वीर, रक्षक सबका रणधीर वीर, हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है। मैं विराट के बड़े भाई से मिलना है। मैं हूं विराट का बड़ा भाई। क्यों, क्या बात है? बधाई हो, आपके विराट राजधानी के नगर प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नगर प्रमुख, ये क्या होते हैं? नगर प्रमुख का अर्थ है राजदरबार का विशेष अधिकारी, राजधानी का मुखिया। हमारा विराट राजधानी का मुखिया बन गया? जी हाँ, उन्होंने आप दोनों को प्रणाम भेजा है। मुखिया बनते ही उसने हमें प्रणाम भेजा, विराट स्वयं क्यों नहीं आया? अरे अभी अभी तो नगर प्रमुख बना है, अभी कैसे आता? आ जाएगा, वैसे भी उसे गए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। क्यों, इतने दिन के लिए भी वो हमसे कभी अलग रहा? पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। नगर प्रमुख वहाँ बहुत प्रसन्न है, वो महाराजा के विशेष अतिथि हैं, उनकी चिंता करने की कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं, उसकी चिंता करने वाला हमारे सिवा कौन है? अच्छा अच्छा, राज दरबार से खुशी की खबर आई है, कोई चिंता की खबर नहीं आई, और विराट की सफलता का तो पहला समाचार है ये। भगवान को प्रसाद चढ़ाकर गुरुदेव और सुनैना को भी शुभ समाचार सुना दे। पुजारी जी लीजिए, देवी माँ को प्रसाद चढ़ाइए, राज दरबार से हरकारे आए हैं अपने विराट का समाचार लेकर। क्या समाचार लाए हो? महाराज ने हमारे विराट को नगर प्रमुख बना दिया है। अरे वाह, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुजारी जी। मैं भी सुनायक। प्रणाम पुजारी जी। पुजारी जी, ये विराट कौन है? विराट हमारे प्रांत की ऐसी आंधी है जिसमें हाथियों जैसा बल है, हिरणों जैसी फुर्ती है, अर्जुन जैसा लक्ष्य, हमारी पृथ्वी जैसा धीरज, बिल्कुल हमारे आकाश की तरह है विराट। हमारे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक भी वही, और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि विराट मेरा शिष्य। आपका शिष्य है विराट? तब तो यह आश्चर्य की बात है, किंतु महाराज ने तो उसे नगर प्रमुख घोषित किया है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि महाराज दरबार में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महाराज की असुरक्षा के प्रति अब आप आश्वस्त हो सकते हैं राजगुरु। महाराज द्वारा विराट को नगर प्रमुख बनाने की घोषणा को सुनकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि
आपके महाराज पर आने वाली किसी भी विपत्ति को पहले विराट का द्वार खटखटाना होगा। आप उस दुष्ट सेनापति काल भैरव को ठीक से जानते नहीं हैं पुजारी जी। काल भैरव विराट को अपने शतरंज की गोटी बना के रख देगा। आप भी हमारे विराट को अच्छी तरह से जानते नहीं है राजगुरु। विराट काल भैरव को उसी की गोटियों से परास्त कर देगा, आप देख लेना। बहुत विश्वास है आपको अपने एक शिष्य पर। एक होकर भी वो 100 से कम नहीं है मीनाक्षी। किंतु काल भैरव की मुट्ठी में राज्य की 2/3 सेना है और हमारे विराट की कमर में लटकी एकमात्र तलवार है, किंतु उसके सीने में ज्वालामुखी की आग है और आंखों में 7 समंदर के बराबर साहस, जिसके सामने पड़ते ही शत्रुओं की सेनाएं वार करने से पहले या तो हथियार फेंक देंगी या भाग खड़ी होंगी। आपका विराट मानव है या फिर महामानव? हो सकता है कल को वो महामानव भी हो जाए। जिस राज्य में शतरंज की विसात काल भैरव ने बिछा रखी हो, उस राज्य में महामानव तो क्या, मानव ही बने रहना बहुत मुश्किल है उस दुष्ट काल भैरव के सामने। शतरंज के खेल में कोई मारा अपनी चाल खुद नहीं चलता है दुर्जन, उसे आगे बढ़ाना पड़ता है और तुम लगातार पीछे हटते जा रहे हो। मैं तो उसी दिशा में आगे बढ़ता हूँ सेनापति जी, जिस दिशा में चलने की आप आज्ञा देते हैं। मेरी तो चारों दिशाएं आप ही तय करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो दुर्जन, मैंने सिर्फ तुम्हें 2 कार्य सौंपे थे, ना ही तुम राजगुरु का पता लगा पाए और ना ही विराट को राजधानी में प्रवेश करने से रोक पाए। अब विराट इस राज्य का नगर प्रमुख है, जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? विराट को तो हम ठिकाने लगाने वाले थे सेनापति जी, परंतु महाराज ने स्वयं उपस्थित होकर सारा खेल चौपट कर दिया और तुम कुछ नहीं कर सके, यही ना? इतने सारे सिपाही और एक आदमी को नहीं रोक सके, एक आदमी को? आप उसकी चिंता मत कीजिए सेनापति जी। उसकी चिंता नहीं करूं तो क्या तुम्हारी चिंता करूं दुर्जन? विराट का नगर प्रमुख बनना हमारे प्रति अविश्वास की पहली सार्वजनिक घोषणा है। कितनी कठिनाइयों से हमने सारे प्रमुख दरबारियों को अपने विश्वास में लिया था, ये क्या तुम नहीं जानते हो? मैं जानता हूं सेनापति जी। सब कुछ जानते हुए भी तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे दुर्जन? राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी राज दरबार से नहीं, हमारे शयन कक्ष से गायब हुई है और उस वक्त राजगुरु तुम्हारी देखरेख में बंदी थे। सोचो दुर्जन, सोचो, अगर राजगुरु भी विराट की तरह राज दरबार में पहुंच गए तो क्या होगा? मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजगुरु का राज दरबार में पहुंचना इतना सरल नहीं है सेनापति जी। हमने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया है कि राजगुरु और उनकी पुत्री मीनाक्षी की देखती हत्या कर दी जाए। आदेश केवल आदेश देने के लिए नहीं होते दुर्जन, आदेशों का पालन होना चाहिए। विराट को मिलने वाले नगर प्रमुख के गौरव ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आप चिंता मत कीजिए सेनापति जी, विराट को मैं बहुत दिनों तक नगर प्रमुख का गौरव हासिल नहीं करने दूंगा। तुम्हें ऐसा ही करना होगा दुर्जन, वरना तुम बहुत दिनों तक हमारे साथ रहने का गौरव हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें विराट की एक एक गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। मुझे विराट की एक एक सांस की खबर चाहिए। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? हां विराट, हमने तुम्हें बुलाया है। विराट, हमारे राजमहल की शांति में कितनी अशांति है, उसकी गूंज तो तुम्हारे कानों तक पहुंच गई होगी। हम राजनीति के एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां अपने और पराए की पहचान मिट चुकी है। समझ नहीं आता हम किसे अपना समझें, किस पर भरोसा करें। किंतु यह राज्य तो आपका अपना ही है महाराज, अपनी संतान की तरह इसकी प्रजा भी आपसे पराई नहीं है और राज्य के सभासद तो आपके सेवक ही हैं और राज्य के सेनापति काल भैरव तो आपके संबंधी ही हैं। कुछ दिन पहले तक तो हम भी यही कहते थे,
हम नहीं जानते थे कि राजनीति रक्त के संबंधों पर नहीं बल्कि शासन और सत्ता की भूख पर टिकी हुई है। काल भैरव को हमने अपनी संतान की तरह पाला है, उसे वो सब कुछ दिया है जो एक पिता अपने पुत्र को दे सकता है, किंतु आज सत्ता के मोह में आकर वो अंधा हो चुका है। प्रजा के मन में वो हमारे प्रति घृणा का विष फैला रहा है। आप तो महाराज हैं, महाराज राज्य के स्वामी, जनहित आपके लिए सर्वोपरि है, प्रजा के हित में तो आपको सारे अधिकार प्राप्त हैं महाराज। विराट, हम अपने अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं रह पाए, इसीलिए अपने अधिकारों पर हमारा बस नहीं रहा। महाराज यदि आपके अधिकार आपके बस में नहीं रहेंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा? इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है विराट। हमारे राज दरबार में बस एक राजगुरु दत्तात्रेय थे जिनके परामर्श पर हम सही और गलत का निर्णय कर पाते थे, किंतु पिछले 3 महीनों से राजगुरु अपनी पुत्री मीनाक्षी के साथ लापता हैं और उनकी तलाश का प्रश्न हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया है। राजगुरु के लापता होने के पीछे कोई विशेष कारण महाराज? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि राजगुरु दत्तात्रेय हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए। हमें तो इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, हमारे और प्रजा के बीच में अविश्वास पैदा करने का षड्यंत्र, हमारे राज्य को विद्रोह की आग में झोंक देने का षड्यंत्र। और विराट, इस आग पर काबू पाने के लिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। विराट की हर सांस पर आपका अधिकार है महाराज, आप विराट को आज्ञा देकर तो देखिए। विराट, आज्ञा देने से पहले हम बस इतना जानना चाहेंगे कि हम तुम पर कितना विश्वास कर सकते हैं। विराट पर आप इतना विश्वास कर सकते हैं महाराज जितना एक आंख दूसरी आंख पर करती है, जितना एक पक्षी अपने पंखों पर करता है, जितना एक शिकारी अपने निशाने पर करता है। हमें तुमसे यही आशा थी विराट, अब हम निश्चिंत होकर इस राज्य की पहली जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहते हैं। आप आज्ञा दीजिए महाराज। सबसे पहले तुम पता लगाओगे कि राजगुरु दत्तात्रेय कहां है। आपकी यह चिंता आज से विराट की चिंता हुई महाराज। राजगुरु दत्तात्रेय जहां भी होंगे पूरे आदर के साथ मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। अब मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा महाराज। कौन है? रुक जाओ, तुम लोगों ने किसी को यहां से भागते देखा? नहीं। झूठ बोलते हो तुम। दरबार के प्रहरी को तो सुई के गिरने तक की आवाज सुनाई देनी चाहिए, आंखों के सामने से गुजरती हुई हवा तक दिखाई देनी चाहिए। पीठ दिखाकर भागता हुआ घुसपैठ तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम लोगों के रहते हुए वो आदमी महल में घुस कैसे गया? हम सच कहते हैं नगर प्रमुख, हमने किसी को नहीं देखा। नहीं देखा तो देखना सीखो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन देखने के लिए तुम्हारे पास आंखें ही ना रहे। सिपाही जिसका नमक खाते हैं ज्यादा उसके पति ज्यादा वफादार भी होते हैं। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ पर वो नहीं हूँ जिसे आप खोज रहे हैं। आपका चोर उस तरफ गया है, जाइए, अभी वो बहुत दूर नहीं गया होगा। जाइए जाइए। हाँ?
किसके आदमी हो तुम? महाराज के कक्ष में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ किसने भेजा तुम्हें? लगता है तुम अपना मुंह नहीं खोलना चाहते, लेकिन मुंह तुम जरूर खोलोगे। विराट को चट्टान का मुंह भी खुलवाना आता है। आओ मेरे साथ। मैं अंतिम बार तुमसे पूछ रहा हूं, किसके आदमी हो तुम? किसके कहने पर तुमने महाराज के कक्ष में कदम रखा था? ठीक है, यदि तुमने न बोलने की सौगंध ले रखी है तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। डरो नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जो गुप्तचर अपना मुंह नहीं खोलता उसे जान से नहीं मारना चाहिए, उसके जीभ और उसके हाथ को काट देना चाहिए, ताकि वो लोगों को ये ना बता सके कि उसके पास सूचना क्या थी। क्या छोड़ो, बताता हूं। लगता है तुम्हें मृत्यु से नहीं जीवन से भय लगता है। ठीक है, बताओ किसके आदमी हो तुम? किसने तुम्हें राजा के कक्ष में भेजा था? मुझे दुर्जन ने भेजा था। दुर्जन ने? किंतु क्यों? महाराज और आप पर दृष्टि रखने के लिए। महाराज पर दृष्टि रखने के लिए? राज्य के एक सिपाही ने महाराज और मुझ पर दृष्टि रखने के लिए एक गुप्तचर को महाराज के कक्ष में पहुंचा दिया? ये कौन से चक्रव्यूह में आकर फंस गया मैं? कौन से चक्रव्यूह? गुप्तचर विराट की बाहों में पहला शव। ये कैसी भूमि है? जीवन का ये कैसा अपमान है? कैसा तिरस्कार है ये? क्या राज दरबार की प्रत्येक ईंट के नीचे शवों का ऐसा ही चित्कार? क्या यही है नगर का जीवन जिसका प्रमुख मैं हूं? क्या यही है वो राजधानी जिसके रास्ते मेरे प्रांत के हर गांव गांव तक जाते हैं? यात्रा का ये कैसा आरंभ है? सचमुच इस चमचमाते स्वर्णिम प्रकाश की किरणें रक्त रंजित है? यदि ऐसा है तो ये यात्रा मुझे कहां तक ले जाएगी? कहां तक ले जाएगी? कहां तक दुर्जन, कहां तक? कहां तक मैं तुम्हारी धृष्टताओं को हवा दूं? यदि हमारा गुप्तचर महल के बाहर नहीं आया तो गया कहां? हमारे सिपाहियों ने तो उसे गुप्त मार्ग से भेज दिया था सेनापति जी, एकदम सुरक्षित। गुप्त मार्ग से भेजा था तो क्या गुप्त मार्ग उससे निकल गया? दुर्जन, तुम्हारी गुप्त बातें लगातार मेरी समझ से बाहर होती चली जा रही है। तुम नहीं जानते राजमहल के भीतर हमारे गुप्तचर के गायब हो जाने का क्या अर्थ होता है। परंतु वो हमारा सबसे चतुर और मजबूत गुप्तचर है सेनापति जी, और मुझे उसमें पूरा विश्वास है। तुम्हारे विश्वास के इतने प्रमाण देख चुका हूँ
कि मेरा मुझ पर से विश्वास उठता जा रहा है। राजमहल के चप्पे चप्पे पर हमारे सिपाहियों के रहते हमारे गुप्तचर की सूचना हमारे तक नहीं पहुंचने का यह अर्थ होता है शत्रु को जाल बुन रहा है जो हमारी समझ के बाहर। परंतु राजमहल में हमारा कौन शत्रु हो सकता है सेनापति जी? इसी बात का पता लगाने के लिए तो हमने अपने उस सबसे मजबूत गुप्तचर को नियुक्त किया था जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। दुर्जन दुर्जन, तुमने अपने सैनिकों से अच्छी तरह पूछताछ की या नहीं? मैंने स्वयं अपने एक एक सैनिक से पूछताछ की थी। एक सैनिक ने तामस से कहा था कि विराट हमारे गुप्तचर का पीछा कर रहा था, परंतु हमारे सिपाहियों ने विराट को बातों में उलझाकर हमारे गुप्तचर को सुरक्षित रास्ते से निकाल दिया। लेकिन विराट हमारे गुप्तचर का पीछा क्यों कर रहा था? ये तो गुप्तचर के आने के बाद ही पता चलेगा सेनापति जी। दुर्जन, विराट हमारे रास्ते की रुकावट बनता जा रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे कारण राज दरबार तक पहुंचा, उसे महाराज तक पहुंचाने वाले भी तुम हो, क्योंकि तुम उसे नगर में प्रवेश करने से नहीं रोक सके और तुम्हारे कारण विराट इस नगर का नगर प्रमुख बना। विराट का नगर प्रमुख बनना काल भैरव की एक ऐसी हार है जिसके पीछे भी तुम हो। तुम हमने विराट के चारों तरफ जाल कस दिया सेना। दुर्जन, इससे पहले कि तुम अपने जाल में खुद फंस जाओ, विराट के चारों ओर अपने सिपाहियों की चौकसी बढ़ा दो, दिन रात उस पर निगरानी रखो, राजमहल के भीतर चप्पे चप्पे पर एक ऐसा जाल बिछा दो विराट उसमें मछली की तरह फंस जाए। मुझे हर हाल में विराट चाहिए दुर्जन, विराट।